नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुर्खियों के साथ। गृहमंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से की बात। बांद्रा में हजारों की संख्या में जुटे मजदूरों के बारे में ली जानकारी। अनिल देशमुख ने कहा, अफवाह के चलते जुटे लोग। सरकार ने 19 दिन के लिए और बढ़ाया देशव्यापी लॉकडाउन। बुधवार को जारी होगी डिटेल गाइडलाइन। कोरोना के लिए टेस्टिंग किट की खरीद पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल। ट्वीट करके कहा, सरकार ने किट खरीदने में की देरी। प्रियंका ने कहा, लचर हाल में है जांच। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का संदेश, कोरोना से लड़ाई में एकजुटता है देशभक्ति। लोगों को घरों में रहने, मास्क लगाने, बार बार हाथ धोने की सलाह। और दुनिया भर में कोरोना से करीब 1,20,000 लोगों की मौत। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,500 लोगों ने गंवाई जान। फ्रांस में भी मरने वालों का आंकड़ा 15,000 के पार। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर 10,000 से ज्यादा मजदूरों की भीड़ जुट गई। ये सभी मजदूर घर जाने के लिए स्टेशन पर पहुंचे थे। मजदूरों को उम्मीद थी कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। उनकी शिकायत थी कि उन्हें लॉकडाउन के दौरान खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्हें अपने घर पहुंचाया जाए। लॉकडाउन के दौरान 10,000 मजदूरों की भीड़ जुटने से प्रशासन के होश उड़ गए। आनन फानन में आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेलवे और पुलिस के अधिकारियों ने स्टेशन पर जुटे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन स्टेशन पहुंचे लोग अपने घर जाने की बात कहते रहे। जब भीड़ स्टेशन से हटने को तैयार नहीं हुई तो पुलिस ने स्टेशन पर जुटे लोगों पर लाठी चार्ज किया। मजदूरों को बांद्रा स्टेशन से हटा दिया। बांद्रा रेलवे स्टेशन के परिसर में कुछ 1500 के आसपास लोग जमा हुए थे। उनमें से काफ़ी संख्या में परप्रांतीय मजदूर थे। उनका लॉकडाउन एक्सटेंड होने की वजह से मन में एक असंतोष था और उन्हें घर चलते हैं। सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कुछ बयान दे रहे हैं, उनसे सुनते हैं। त्यांनी सुद्धा अत्यंत शिस्तीत किंबोना शिस्त पाळून गर्दी न करता आपापल्या घरातूनच या महापुरुषाला मानवंदना दिली। त्यांना सगळ्यांना मी धन्यवाद देतोय। बाबासाहेबांनी आपल्याला लढायला शिकवलं। त्या काळामध्ये बाबासाहेबांनी विषमतेविरुद्ध लढा दिला। आज संपूर्ण जग विषाणू विरुद्ध लढा देतोय, विषाणूशी लढा देतोय। म्हणजे लढाई चालूच आहे, तेव्हा विषमतेबद्दल बरोबर होती, आता विषाणू बरोबर आहे। आणि या विषाणूबरोबरच्या लढाईतसुद्धा आपण सगळेजण भीमसैनिक खांद्याला खांद्या लावून उतरलेला आहात, म्हणून पुन्हा एकदा तुम्हाला धन्यवाद देतो। आज सकाळी माननीय पंतप्रधानांनी देशाला उद्देशून एक संदेश दिला आणि त्या संदेशात त्यांनी 14 तारखेचा आजचा हा लॉकडाऊन 3 मेपर्यंत वाढवलेला आहे। मी पंतप्रधानांना धन्यवाद देतो, कारण 2 दिवसापूर्वी जेव्हा ही आमची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग एक परिषद झाली, मी आपल्याला 2 दिवसापूर्वीच कल्पना दिली होती की सर्वात प्रथम महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना बोलायला संधी दिली आणि मी तेव्हा प्रथम असं बोललो होतो की हा लॉकडाऊन काही काळाकरता तरी वाढवायला पाहिजे। आणि शनिवारीच मी याची मुदत ही 30 एप्रिलपर्यंत केली होती, ती पंतप्रधानांनी 3 मेपर्यंत केलेली आहे। एकूणच काय की परिस्थिती आपल्या नियंत्रणात किती आली असली नसली असं वाटत असलं तरीही हा लढा फार गंभीरतेने घ्यायला पाहिजे, गांभीर्याने घ्यायला पाहिजे, आणि तसं तो आपण घेतलं आहे। संपूर्ण देशातील मातांनी, भगिनींनी आणि बांधवांनी जो एक अपूर्व असा लढा या विषाणूबरोबर सुरू केलेला आहे, जिद्द, हिम्मत, धैर्य ह्याचं एक अभूतपूर्व दर्शन आपण सगळे घडवत आहात। आणि ह्या हिमतीमुळेच, ह्या एकजुटीमुळेच मला स्वतःला आत्मविश्वास आहे आणि तो आत्मविश्वास आता तुमच्यातही आलेला आहे की आपण नक्कीच जिंकणार आहोत। आज सकाळी मी तुमच्याशी बोलणार होतो, पण माननीय पंतप्रधानांचं एक आवाहन संपूर्ण देशाला उद्देशून होत असताना मी असा विचार केला की ते संपूर्ण देशात एकदा जाऊ द्या आणि त्याच्यानंतर दिवसभरात मी कधी आपल्याशी बोलू शकतो। मी आज सकाळी बोलताना जी आकडेवारी माझ्याकडे आली होती, कारण आजची आकडेवारी आज रात्री माझ्याकडे येईल, एकूणच महाराष्ट्रामध्ये काय चाललेलं आहे। काही जणांना असा भास होतो की महाराष्ट्र म्हणजे काहीतरी फार विचित्र चालले, काय विचित्र नाही चाललेलं। महाराष्ट्रामध्ये कदाचित सर्व देशामध्ये
इतर ठिकाणी झाल्या नसतील एवढ्या चाचण्या ह्या आजपर्यंत महाराष्ट्रात झाल्यात आणि एकट्या मुंबईमध्येच या 20-22 हजारच्या वरती झालेल्या आहेत एकट्या मुंबईत, आणि उर्वरित महाराष्ट्रात आणखीन 10-15 हजार झालेत. ही सकाळचा आकडा आहे. याचाच अर्थ असा, मी सातत्याने जे सांगतो आहे की महाराष्ट्र सरकार हे खंबीर आहे, खंबीरतेने धैर्याने ह्या संकटाचा मुकाबला करते आहे. जे जे काही करता येणे शक्य असेल ते सर्व आपण करतो आहोत. सकाळचा आकडा जर का बघितला तर साधारणतः 2334 म्हणजे 2500 ह्या पॉझिटिव्ह केसेस आपल्याकडे आजपर्यंत आढळलेल्या आहेत. ह्या आकड्यांमध्ये ज्यांना क्वारंटाईनमधनं आपण परत जाऊ दिले वेगळे, पण ज्यांना पॉझिटिव्ह होते आणि त्यांना बरं करून घरी पाठवलं असं साधारणतः आजपर्यंत 230 आहेत. म्हणजे 10% आपण त्यांना पूर्ण उपचार करून घरी पाठवलेलं आहे. साधारणतः 32 हे थोडेसे गंभीर आहेत, पण तेसुद्धा स्टेबल आहेत, स्थिर आहेत. पण एक विशेष मी आपल्याला सांगू इच्छितो. आज मी 2 जणांशी बोललो. एक आहे म्हणजे योद्धा कसा असतो हे जे काही संकट आहे असं कोणी समजू नये की कोणाला ह्याची लागण झाली म्हणजे संपलंच. नाही, संपत बिंपत काही नाही आहे. एक हिंमत असली, जिद्द असली तर त्याच्यावर आपण मात करू शकतो. आणि मी 2 जणांशी आज बोललो. एक आहे एक चिमुकला योद्धा तनिष्क मोरे, 6 महिन्याचं बाळ आहे. त्या बाळाच्या आईसोबत मी आज बोललो. 6 महिन्याच्या बाळाने कोरोनाला हरवलेलं आहे. TV वरती सुद्धा आपण ही बातमी पाहिली असाल. म्हणजे साधं 6 महिन्याचं बाळ ही लढाई जिंकू शकतं, कोरोनावरती मात करू शकतं. आणि हे 6 महिन्याच्या बाळाच्या आईबरोबर बोलल्यानंतर मी एका 83 वर्षाच्या आजीकडे फोन केला, कारण त्यासुद्धा कोरोनाच्या प्रादुर्भावातून बऱ्याहून घरी गेलेल्या आहेत. म्हणजे 6 महिने ते 83 वर्ष कोरोनावरती मात करता येते, नव्हे त्याने ती करून दाखवलेली आहे. आणि ही लढाई अधिक प्रखरपणे लढण्यासाठी काल मी आणखीन एक गोष्ट केलेली, आपल्या सरकारने आणखीन एक गोष्ट केलेली आहे, ती म्हणजे डॉक्टरांचा एक टास्क फोर्स आपण तयार केलेला आहे. डॉक्टर संजय ओक आपल्याला कल्पना आहे, उद्वाडिया जे आहेत त्यांच्यासोबत आणखीन सर्व डॉक्टर व्यवसायातले विविध क्षेत्रातले, म्हणजे कोण हार्ट स्पेशलिस्ट आहे, कोण किडनी विषयक तज्ज्ञ आहे, कोण आणखीन कशातला तज्ज्ञ आहे, अशा ह्या सर्व तज्ज्ञ लोकांची एक टीम ही आपण टास्क फोर्स म्हणून कालपासून त्यांना आपण काम करायला सुरुवात केलेली दिलेली आहे. हे काय करणार, मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एक साधारणतः गाईडलाईन काय असावी, ट्रीटमेंटची लाईन ऑफ ट्रीटमेंट काय असायला पाहिजे, आपण काय करू शकतो, काय वेगळेपणाने आपण याच्यात आणू वेगळेपणाने आणखीन लोकांना कसं बरं करू शकतो, त्याच्याबद्दल ही संपूर्ण टीम आता आपल्या जी आरोग्य सेवा आहे त्यांना मार्गदर्शन करणार आहे, मार्गदर्शन करते आहे. मग याच्यामध्ये डॉक्टर ओकांबरोबर आपले काही खाजगी क्षेत्रातले डॉक्टर्स आहेत, जसं मी उद्वाडियाजींचं नाव घेतलं, महापालिकेतले काही डॉक्टर्स आहेत, सरकारी काही डॉक्टर्स आहेत, जे जे कोणी आपल्या या राज्यामधले तज्ज्ञ आहेत त्या सगळ्यांना आपण त्याच्यात सामावून घेतलेलं आहे. आणि एक सुंदर काम आता ह्या टीमने सुरू केलेलं आहे. काल पहिली बैठक त्यांच्यासोबत माझी झाली, कुठे कुठे काय काय करू शकतो. मी आपल्याला कल्पना दिली नाही की मुंबईसह संपूर्ण राज्यात कोविड आणि नॉन कोविड अशी एक विभागणी आपण करतो आहे हॉस्पिटलची, की कोविड झालेले पेशंट कुठे न्यायचे, ज्यांना कोविड नाही आहे पण जे नेहमीचे त्यांचे काही आजार विकार जे काही असतील ते कुठे न्यायचे, त्यांच्यासाठी ही विभागणी करतो आहे. कोविड हॉस्पिटलमध्ये सर्व, म्हणजे मग डायलिसिस असेल, ज्यांना कार्डियक प्रॉब्लेम असेल त्यांच्यासाठी असेल, मधुमेह असेल त्यांच्यासाठी असेल, असे सगळे हे तज्ज्ञ तिकडे त्यांना उपचार करण्यासाठी सिद्ध असतील. ही एक आपण नवीन पाऊल टाकलेलं आहे. म्हणजे एक एक गोष्टी आपण पावलं पुढे टाकत चाललेलो आहोत, नक्कीच टाकतो आहोत. त्याचबरोबरीने जे मी मागेही बोललो होतो की कोविडचं संकट गेल्यानंतर कोविडपेक्षा ही किंबहुना कोविडच्या बरोबरीचं आणखीन एक संकट येऊ शकतं, ते म्हणजे आर्थिक संकट. त्या आर्थिक संकटाचा सामना करायला सुद्धा आजपासून आपली तयारी सुरू असली पाहिजे, सुरू केली पाहिजे. मग काय करायचं, त्याच्यासाठी सुद्धा आपण एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लढना है, ऐसा आग्रह कर रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे. महाराष्ट्र के हालात के लिए शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में 6 लाख लोग सेल्टर्स में रह रहे हैं. केंद्र सरकार के सामने मामला रखा गया था कि इन लोगों को घरों तक पहुंचाने की कोशिश की जाए. उनके पास खाना नहीं है और वे घर जाना चाहते हैं.
बांद्रा में इकट्ठा हुए लोग अब चले गए हैं, लेकिन यह स्थिति इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार ने बात नहीं सुनी। बांद्रा स्टेशन पर हजारों मजदूरों की भीड़ क्यों जुटी, इसकी दो वजह सामने आ रही है। एक तो यह कि रेलवे ने 15 अप्रैल से टिकट की बुकिंग शुरू की थी। लॉकडाउन बढ़ने के बाद ट्रेनों को कैंसिल तो किया गया, लेकिन टिकट खरीदने वाले बहुत से लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं मिली। रेलवे ने इसकी सूचना ट्विटर पर जरूर दी थी, लेकिन जाहिर है कि ज्यादातर लोग इससे अनजान थे। भीड़ जुटने की एक और वजह बताई जा रही है, जिसके तार गोरखपुर से जुड़े हैं। गोरखपुर के कुछ अखबारों में पिछले दिनों ऐसी खबरें छपी कि 15 अप्रैल को दूसरे प्रांतों में फंसे मजदूरों की घर वापसी के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। इसके लिए लेखपालों की मदद से उनका ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के योगी के प्रतिनिधि बताए जा रहे, पता नहीं ये कितना सच है या नहीं, लेकिन ऐसी व्हाट्सएप पर खबरें हैं। प्रेमपाल गुप्ता ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से लेखपाल को अपने सगे संबंधियों के नाम और पता मोबाइल नंबर लिखवाने को कहा था। प्रेमपाल गुप्ता ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा था कि गोरखपुर के रहने वाले जो लोग किसी दूसरे प्रदेश में फंसे हैं, वे लेखपाल को फोन करके अपना पता और मोबाइल नंबर लिखवा दें। ये खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। हो सकता है कि बांद्रा में जुटी भीड़ में शामिल कई मजदूर इन्हीं बातों पर भरोसा करके स्टेशन पर जमा हो गए होंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काली ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है, यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। कोरोना संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया है। पीएम मोदी ने इसका ऐलान किया। पीएम ने कहा कि 3 मई तक लोगों को घर के अंदर ही रहना होगा। इसकी विस्तृत गाइडलाइन बुधवार को सरकार जारी करेगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के पहले चरण में जनता के धैर्य की तारीफ की। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि 20 अप्रैल तक हर कस्बे, जिले और राज्यों को बारीकी से परखा जाएगा। लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, इसकी समीक्षा की जाएगी। इन इलाकों में अगर नए हॉटस्पॉट नहीं बनते हैं और जो राज्य इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें जरूरी गतिविधियों से छूट दी जाएगी। साथ ही पीएम ने चेतावनी दी कि अगर लॉकडाउन के नियम टूटते हैं तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। पीएम मोदी के लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा के बाद रेलवे ने भी प्रोटोकॉल जारी कर दिया है। रेलवे ने यात्री ट्रेनों की आवाजाही पर रोक 3 मई तक और बढ़ा दी है। साथ ही इस दौरान जिन लोगों के टिकट बुक हैं, उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। रेलवे 3 मई के बाद की स्थिति पर अगला कदम उठाएगा। वहीं मेट्रो ने भी अपनी सेवाएं 3 मई तक सस्पेंड कर दी हैं। साथ ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं भी 3 मई तक रद्द कर दी गई।
सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने लॉकडाउन को लेकर सवाल उठाए हैं। येचुरी ने कहा कि इससे गरीबों की मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि सरकार ने इसके लिए कोई रोड मैप तैयार नहीं किया। लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मूलभूत जरूरतों का ध्यान नहीं रखा गया। उन्होंने इनकम टैक्स नहीं देने वाले परिवारों के लिए मदद की मांग की। उन्होंने कहा कि पीएम ने खुद नहीं बताया कि सरकार क्या करेगी। पीएम ने वादा किया था कि लॉकडाउन के दौरान नौकरियां नहीं जाएंगी, लेकिन बड़े पैमाने पर संगठित और असंगठित क्षेत्रों में लोगों की नौकरियां जा रही हैं। आज बहुत ही भयानक खबरें आ रहे हैं कि हजारों लाखों की तादाद में लोगों की नौकरियों की छंटनी हो गई। प्रधानमंत्री पिछली बार संबोधित करते हुए कहा कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, किसी की तनख्वाह के अंदर कटौती नहीं होगी। हमारे डेली वर्कर है, कैजुअल वर्कर है, टेम्पररी वर्कर है, वो तो आज बेरोजगार हो चुके हैं, लेकिन आज जो रेगुलर वर्कर है उनके अंदर भी उनकी संख्या घटाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने का स्वागत किया है, लेकिन इसे लेकर कोई रोड मैप नहीं होने पर सवाल भी खड़ा किया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सिर्फ जनता से काम करने की अपील की, लेकिन सरकार क्या कर रही है यह नहीं बताया। उन्होंने पूछा कि उन मजदूरों का क्या होगा जो 14 दिनों से क्वारंटीन में थे, अब क्या सरकार उन्हें घर पहुंचाएगी या वो वहीं पड़े रहेंगे। The Prime Minister, during his speech, spelled out what he expects the people of India to do. What he did not spell out is what his government is doing for the people of India. And that is our fundamental observation with regard to the address today in the morning. Those migrants, most of them, have completed their mandatory 14-day quarantine. So therefore, what are you going to do about them? Are you going to allow them to go back to their home and hearth? Is there a calibrated plan as to permitting them or facilitating their travel? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी लॉकडाउन को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि लॉकडाउन में उन्हें मजदूरी कहां से मिलेगी। दिग्विजय सिंह ने नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी के सुझाव को मानने की सलाह दी और गरीब परिवार के खाते में हर महीने 6,000 रुपये डाले जाने की मांग की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मोदी जी ने पहली बार दिहाड़ी मजदूरों के बारे में चिंता व्यक्त की, उन्हें धन्यवाद। मोदी जी, आपकी सरकार ने जो राहत पैकेज दिया है, विशेषकर मुफ्त अनाज वितरण का, उसे शीघ्र पालन करवाएं। उसके वितरण में राशन कार्ड की बाध्यता ना हो। लॉकडाउन में उन्हें मजदूरी कहां से मिलेगी। उन्होंने आगे लिखा कि मोदी जी को नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी के सुझाव पर 2019 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में गरीबों के लिए सुझाई गई न्याय योजना पर विचार करना चाहिए। प्रतिमाह हर गरीब परिवार के खाते में 6,000 रुपये जमा किए जाएं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने टेस्टिंग किट को लेकर सवाल उठाए हैं। राहुल ने ट्वीट करके कहा कि सरकार ने टेस्टिंग किट खरीदने में देर कर दी और अब इसकी कमी चिंताजनक स्थिति में है। उन्होंने लिखा कि प्रति 10 लाख भारतीयों में सिर्फ 149 टेस्ट किट हैं, जो लाओस, नाइजर और होडारूस के पास भी हमसे ज़्यादा टेस्टिंग किट हैं। उन्होंने लिखा कि कोरोना से लड़ने में सबसे अहम है बड़े पैमाने पर टेस्ट करवाना। वर्तमान में हम इस खेल में कहीं भी नहीं हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका ने ट्वीट करके कहा कि मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर टेस्टिंग बढ़ाने का आग्रह किया था। यूपी में होने वाली मौतों में 5 की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मौत के बाद आई। जांच का सिस्टम अभी भी बहुत लचर है। जाँच की व्यवस्था को तेज और व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा जाँच ही हमें सही तस्वीर दे सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी के संबोधन से पहले वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने देशवासियों और सेवाकर्मियों के प्रति एकजुटता प्रकट की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संकट के खिलाफ लड़ाई में एकजुट खड़े रहने से बढ़कर कोई देशभक्ति नहीं हो सकती। सोनिया ने लोगों से अपील की कि वे सावधानी बरतें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि मैं इस संकट के समय में भी शांति, धैर्य और संयम बनाए रखने के लिए सभी देशवासियों को दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूं कि आप सभी बंद का पूरी तरह पालन कर रहे होंगे। आप सभी दूरी बनाए रखने का पूरी तरह पालन करें।
आज कोरोना के इस संकट से निपटने में आप सभी का इस लड़ाई में खड़े रहने से बड़ी देशभक्ति और क्या हो सकती है। आपके हमारे सहयोग के बिना इनकी लड़ाई कमज़ोर पड़ सकती है और हमें ऐसा नहीं होने देना है। कहीं डॉक्टर्स के साथ गलत व्यवहार की खबरें आ रही हैं, ये काफ़ी गलत है क्योंकि हमारी सभ्यता और संस्कृति ऐसी नहीं है। हमें इन सब का सहयोग और समर्थन करना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान सरकार गरीबों की हर संभव मदद कर रही है। गृह मंत्रालय ने बताया कि गरीब कल्याण योजना के तहत 5,29,00,000 लाभार्थियों को निशुल्क राशन और खाद्यान्न दिए गए हैं। 13 अप्रैल तक 32 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को 29,352 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने स्पेशली मजदूरों की समस्याओं के निदान के लिए पूरे देश में 20 ग्रीवेंस सेंटर्स को स्थापित किया है। इन ग्रीवेंस सेंटर्स की फंक्शनिंग को चीफ लेबर कमिश्नर के स्तर पर सुपरवाइज और मॉनिटर किया जा रहा है। हेल्पलाइंस की विस्तृत जानकारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लगभग 80 करोड़ व्यक्तियों को प्रति माह अगले 3 महीनों तक 5 किलो खाद्यान्न, उनकी पसंद अनुसार गेहूं अथवा चावल, फ्री ऑफ कॉस्ट देने का प्रावधान किया गया है। गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज को 24/7 मॉनिटर कर रहा है तथा अपनी हेल्पलाइन द्वारा लोगों की समस्याओं और शिकायतों का भी निदान कर रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, द गवर्नमेंट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री राशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू 5.29 करोड़ बेनिफिशरीज। 3,985 मिलियन टन्स ऑफ पल्सेस हैव आल्सो बीन डिस्पैच्ड टू वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। RKDF University, a world-class university, जहां students को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो job creators बन सके, ना कि सिर्फ job seekers. So join NIRF-ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, BEd, DEd, MEd. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1-800-270-320. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। देश में कोरोना को लेकर सांप्रदायिक टिप्पणी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसमें सोशल मीडिया में कोरोना जिहाद जैसे संदेशों पर रोक लगाने और कार्रवाई करने की मांग की गई है। वकील ख्वाजा एजाजुद्दीन ने अपनी याचिका में कहा है कि कोरोना जिहाद, इस्लामिक कोरोना जिहाद, तबलीगी जमात वायरस जैसे हैशटैग विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों और धर्म के खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने केंद्र और तेलंगाना पुलिस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को महामारी को धर्म से जोड़ने वाली अवैध प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह अनुचित, अवैध और असंवैधानिक है। कोरोना से बचने के लिए अब तक आपने N95 मास्क का नाम सुना होगा, लेकिन अब DRDO ने कोरोना वायरस से बचने के लिए N99 मास्क विकसित किया है। कहा जाता है कि N99 मास्क कोरोना वायरस से बचने में 99% कारगर है। मुंबई और कोलकाता की कंपनियां रोज 10,000 मास्क का उत्पादन कर रही हैं। इसकी कीमत सिर्फ 70 रुपये रखी गई है। खास बात यह है कि इस N99 मास्क में 5 लेयर होगी, जबकि N95 मास्क में सामान्यतः 3 लेयर होती है। हमारे DRDO के इंजीनियर्स ने ये अति आधुनिक N99 मास्क बना के देश को समर्पित किया है।
इस मास्क ने सभी टेस्ट पास कर दिए है, यह अप्रूव हो गया है हर साइंटिफिक लैबोरेटरी टेस्ट से और इसकी 12 महीने की अवधि है। ये 12 महीने तक आपके काम आ सकता है। कोरोना वायरस खतरे के बीच भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बुरी खबर आई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 1.9% कर दिया है। IMF का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से इस वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर में 3% की कमी आएगी। संस्था ने यह भी कहा कि आर्थिक मंदी साल 2008-09 में आए वित्तीय संकट से भी बुरी होगी। कोरोना वायरस महामारी के चलते IMF 25 गरीब देशों को आपातकालीन कर्ज देगा। संस्था के कार्यकारी बोर्ड ने इसकी अनुमति दे दी है। IMF का कहना है कि गरीब देशों के पास संसाधनों की कमी है, ऐसे में इस कर्ज का प्रयोग वे मेडिकल संसाधनों और दूसरे राहत के कार्यों में कर पाएंगे। इससे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिलेगी। गरीब देशों को कर्ज देने के लिए UK, जापान, चीन और नीदरलैंड फौरी तौर पर आगे आए हैं। IMF ने दूसरे देशों से भी सहयोग करने की अपील की है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम नाम की संस्था ने भारत में कोरोना वायरस को लेकर मुस्लिम समाज के खिलाफ लगातार फैलाई जा रही अफवाहों की निंदा की है। इसके साथ ही संस्था ने इन अफवाहों की वजह से देश भर में मुसलमानों के ऊपर हो रहे हमलों की भी निंदा की है। संस्था ने कहा है कि इस तरह की अफवाहें अक्सर नेताओं की जुमलेबाजी का हिस्सा होती हैं। संस्था ने आशंका जताई है कि इस तरह से एक समाज को बदनाम करने से समाज में खाई और चौड़ी हो सकती है और अधिक हिंसा भी हो सकती है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।